देश में रमजान का महीना आरंभ हो गया है। इस रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लोगों को मौलानाओं द्वारा घर में नमाज पढ़ने की अपील की जा रही है। वहीं हरियाणा के करनाल में भी मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के कार्यालय में पहुंचा। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के साथ रमजान को लेकर बैठक की। वहीं उन्होंने पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया को कोरोना रिलीफ फंड में 1,01,000 का चेक देने के साथ साथ रमजान के महीने में पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि सभी मस्जिदों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस रमजान के महीने के दौरान अपने घरों में रहकर ही नमाज पढ़ें और किसी भी मस्जिद में एक जगह भीड़ ना करें। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और साथ के साथ मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन रमजान के महीने के दौरान नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया ने मुस्लिम समाज की ओर से कोरोना रिलीफ फंड में 1,01,000 का चेक देने की जानकारी दी। ये सभी मुस्लिम भाइयों को जो है अपनी तरफ से भी मैसेज कर रहे हैं कि इस रमजान के दौरान घरों में बैठ के ही सभी नमाज पढ़ेंगे, कोई भी मस्जिद में नहीं आएगा। और अपनी तरफ से इन्होंने 1,01,000 रुपये का ये कोरोना रिलीफ फंड के लिए ये चेक भी दिया है। हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड, ठीक है। दूसरा एक कंट्रोल रूम में हमने मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया है, वो भी दिखा देंगे, लेकिन एक एक करके वहाँ तो इसी के बारे में पहले बता दीजिए। पहले ये बता देते हैं सर, क्या बताना चाहेंगे, जो रमजान का महीना शुरू होने वाला है तो किस तरह से जो मस्जिदें हैं वो बंद रहेंगी और सभी भाइयों ने जो मिलकर इन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि घर बैठकर ही नमाज अदा करेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से रमज़ान की शुरुआत हो रही है। जैसा कि रमज़ान का जो महीना चलता है उसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हैं, तो आज सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट करनाल के जो मेन मस्जिदें हैं या जो समाज के मुख्य मौजूद व्यक्ति हैं, आज वो सभी आए हैं और उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और 100% एश्योरेंस दी है कि वो अपने माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी पूरे समाज को ये अपील करेंगे और सख्त निर्देश भी देंगे कि किसी भी सूरत में कोई मस्जिद में नहीं आएगा, क्योंकि रिलीजियस गैदरिंग पे पूर्णतः बैन है, चाहे वो मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, मस्जिद हों। तो क्योंकि ये कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और एक महीना ये चलेंगे, तो ये सभी इन्होंने एश्योरेंस दिया कि ये घर पे बैठ के ही सभी नमाज पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं करता, सेंट यदि कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इनको भी बता दिया है और ये अपने लेवल पे सभी को आगे भी सूचित कर रहे हैं। तो संबंधित थानों की सर कोई मॉनिटरिंग भी रहेगी? बिल्कुल, सभी थानों को ऑलरेडी दिशा निर्देश दिए गए हैं और मस्जिद में जो केयर टेकर हैं उनके अलावा, अभी इन्होंने जो सूचना दी है कि उनके अलावा मैक्सिमम 2 आदमी मस्जिद में है, उससे ज़्यादा और कोई नहीं। साउंड स्पीकर पर भी कोई किस तरह का प्रबंध है? नहीं, सायरन तो स्पीकर तो बंद ही है नेचुरली, जब मस्जिद बंद है तो वो भी बंद है। और साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज की तरफ से जो आज आए हैं, इनकी तरफ से 1,01,000 रुपये का जो कोरोना रिलीफ फंड, स्टेट कोरोना रिलीफ फंड में एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी आज दिया गया। थोड़ा सा ऊपर, तो ये आप जैसे हैं मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों की आज एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें जो कल से रमजान का महीना शुरू है। आज हम करनाल के श्री सुरेंद्र सिंह भोरिया से मिले, उनसे हमें मुस्लिम समाज की तरफ से 1,01,000 रुपये का कोरोना रिलीफ फंड में दिया है और ख़ासतौर से हम अपने मुस्लिम समाज के लिए एक मैसेज भेजना चाहते हैं, क्योंकि कल से रमजान शुरू होने जा रहे हैं और ये हमारी सबसे अपील है कि वो नमाज अदा अपने घर पर लेकर करें, मस्जिदों में ना आए और अपने कुरान शरीफ की तिलावत भी घर पर लेकर करें, लॉकडाउन का पालन करें और सहयोग करें, प्रसाद, ये हमारी अपील है। ठीक, हमारे मुस्लिम समाज के हमारे जो मौलाना तसव्वुर साहब हैं उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए थे और कप्तान साहब ने कहा है, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमने मुस्लिम समाज की ओर से 1,01,000 रुपये की धनराशि कोरोना पीड़ितों के लिए सहयोग राशि मुस्लिम समाज की ओर से दी है। इसी के साथ में कप्तान साहब ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना का कोई भी उल्लंघन न करा जाए, कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लागू किया गया है उसका पालन किया जाए, उसके पालन के लिए पूर्ण रूप से हमारे हजरत मौलाना तसव्वुर साहब ने इस बात की गारंटी ली है कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति
लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेगा। रमज़ान कल से शुरू हो रहे हैं, रमज़ान के दौरान हर व्यक्ति अपने घरों पर रहकर नमाज अदा करेगा। जो इबादत है वो अपने घरों पर रहकर इबादत करेगा। एक तरावीह जो विशेष नमाज होती है रमज़ान के दौरान, वो भी अपने घरों पर रहकर ही पूरी करेगा। किसी भी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेगा। और ख़ास तौर से करनाल का मुस्लिम समाज माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता है, और उनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए भी विशेष रूप से ये दिशा निर्देश दिए हैं कि मुस्लिम समाज पूरे हरियाणा का उसको रमज़ान के दौरान कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसी बात को लेकर हमारे करनाल का मुस्लिम समाज, हमारे मौलाना तसव्वुर साहब हैं, शौकीन राणा साहब हैं, महबूब, जितने भी यहाँ पर हम लोग आए हैं, सब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही कप्तान साहब सुरेंद्र भुरिया जी का आभार व्यक्त करते हैं कि वो जितनी मेहनत जितनी लगन से अपने ज़िले के अंदर लॉकडाउन को सफल बना रहे हैं, ये वाकई ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने जितनी मेहनत, आप लोगों का जितना प्रयास लाइव दिखाने का चल रहा है, आप लोग खासतौर से मीडिया के लोग भी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों के द्वारा भी जो सहयोग प्रशासन शासन और जनता का किया जा रहा है, उसके लिए भी आप लोग पूर्ण रूप से हमारी ओर से आप लोगों को पुनः बधाई और आप लोगों का भी धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.